नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर सुनीता वरगोत्या। हम पढ़ रहे थे स्टीरियोकेमिस्ट्री और स्टीरियोकेमिस्ट्री में आज हम सीखेंगे डी एंड एल नोटेशन ऑफ कंपाउंड्स। हम सीखेंगे आज डी एंड एल नोटेशंस फॉर कंपाउंड्स या फॉर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले तो हम समझते हैं कि डी या एल नोटेशन का मतलब क्या होता है और इसको हम किस किस मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई कर सकते हैं और इसे हम देखते कैसे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या हम दो तरह से डी एल एल लिख सकते हैं, ये तो कैपिटल लेटर्स वाला डी एंड एल है और ये स्मॉल लेटर्स वाला डी एंड एल है। ठीक है बच्चों, ये कैपिटल डी एंड एल वाला हम कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यूज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन नोटेशन के लिए। ठीक है, और ये डी एंड एल वाला हम ऑप्टिकल रोटेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये डी इक्वल्स टू ये छोटा वाला डी होगा और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये एल मतलब ये छोटा वाला एल के बराबर होगा। मतलब अगर हमने किसी रोटेशन में कैपिटल डी लिखा है तो उसके इक्विवेलेंट हम कभी भी छोटा वाला डी यूज़ करके नहीं लिख सकते या एल की जगह हम छोटा वाला एल करके कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम कभी भी इन दोनों को इक्वल नहीं लिख सकते, तो आप इनको गलती से एक्सचेंज करके इसकी जगह यूज़ ना करें। फर्स्ट हमारा मिसकंसेप्शन तो ये है। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि डी एल एन कॉन्फ़िगरेशन का जो नोटेशन है वो होता कैसे है। सबसे पहले एमिल फिशर जी ने, हमारे एक साइंटिस्ट थे एमिल फिशर ने 1848 में जो है सबसे पहले ग्लिसरेडीहाइड पे ये जो नोटेशन दिया था। जैसे हमारे पास ये है ग्लिसरेडीहाइड, ये हमारा लोएस्ट जो है कार्बोहाइड्रेट है। अब उन्होंने क्या देखा, उसके ये दो फॉर्म्स देखे, एक हमारा ये फॉर्म है और एक हमारा ये वाला फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें OH राइट हैंड साइड है और एक स्ट्रक्चर में हमारा OH लेफ्ट हैंड साइड है। उन्होंने ग्लिसरेडीहाइड के दो फॉर्म्स देखे हैं, एक जो फॉर्म है उसमें राइट साइड है और एक स्ट्रक्चर में लेफ्ट साइड है। तो जो राइट साइड वाला स्ट्रक्चर था उन्होंने उनको नाम दिया डी ग्लिसरेडीहाइड। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड वाला OH था उसको उन्होंने नाम दिया एल ग्लिसरेडीहाइड। ठीक है, उन्होंने ये दो फॉर्म्स दिए, डी ग्लिसरेडीहाइड एंड एल ग्लिसरेडीहाइड। अब इन ग्लिसरेडीहाइड ये लोएस्ट कार्बोहाइड्रेट्स के रिलेट करके उन्होंने जो आगे के जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उनको क्या है, नेमिंग करी। इसी अगर जो डी ग्लिसरेडीहाइड के जो डेरिवेटिव्स हैं वो डी सीरीज के कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर्म करेंगे और जो एल ग्लिसरेडीहाइड के डेरिवेटिव्स हैं वो एल कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इससे हम जो है आगे के कार्बोहाइड्रेट्स को नोटेशन दे सकते हैं, इसके हम आगे के कार्बोहाइड्रेट्स को नोटेशन दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड का फॉर्म है, मान लीजिए CH3, यहाँ पे CH2, CH3, यानी ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे भी कोई ग्रुप है X। ठीक है, तो ये एक सबसे पहले जो अगर हमें D या L नोटेशन देना है तो उसके लिए फर्स्ट हमारी जो क्राइटेरिया या कंडीशन होती है
वो होती है कि उसमें कायरल सेंटर होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए। बिना कायरल सेंटर के आप उसको डी या एल कॉन्फ़िगरेशन असाइन नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है, जैसे वहाँ पे हमने OH अल्कोहल ग्रुप को देख के असाइन किया था, वहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे Cl हो सकती है, Br हो सकती है, NH2 हो सकती है, अल्कोहल OH हो सकती है, इस तरह से एक्स हमारा कुछ भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो इस तरह से हम डिपेंडिंग अपॉन कि एक्स कौन सी जो राइट हैंड साइड सिचुएटेड है या लेफ्ट हैंड साइड सिचुएटेड है, उसको देख के हम उसको डी या एल नोटेशन दे सकते हैं। जैसे कि मैं आप कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को सॉल्व करती हूँ, सबसे पहले हम कर रहे हैं डी एल नोटेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। हम सबसे पहले पढ़ेंगे डी एल नोटेशंस फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, डीएल नोटेशंस फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। मैं एक सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ड्रॉ कर रही हूँ। हम सबसे पहले एक कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है। अब हम इसमें कैसे जो है इसका डी या एल जो है नोटेशन देंगे, तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया ये होता है इसमें कि जो हम इसको नंबरिंग देंगे पहले हर कार्बन को, प्रायोरिटी नंबरिंग देंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे अपने एल्डिहाइड वाले कार्बन से, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, ये हमने नंबरिंग दे दी है। तो फर्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया इसके लिए होना चाहिए कि नंबरिंग शुड बी फ्रॉम अप टू डाउन। कार्बोहाइड्रेट में डीएल नोटेशंस देने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी नंबरिंग है सीरीज की वो फ्रॉम अप टू डाउन होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास दो कायरल सेंटर्स हैं, ये हमारे पास दो कायरल सेंटर्स हैं, तो हमें जो D और L नोटेशन देना है वो देना है हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर को। यूज DL नोटेशन फॉर हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर, ठीक है। तो हमें जो D या L नोटेशन देना है वो देना है हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर को, यानी हमारे पास दो है तो हमें इस वाले कायरल सेंटर को D या L नोटेशन देना है। थर्ड हमारे पास पॉइंट ये है कि अगर H राइट साइड है इस कायरल सेंटर पे तो उसे D देंगे, अगर OH राइट साइड है तो उसे D देंगे, और OH लेफ्ट साइड है तो उसे L देंगे। यूज D फॉर राइट एंड L फॉर लेफ्ट। तो ये हमें तीन प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं इसमें। ये हमारा था डी इरिथ्रोज। जिस कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में OH सेम साइड होता है उसको हम कहते हैं इरिथ्रोज फॉर्म, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल आपको बता रही हूँ। मान लीजिए इस OH को हमने इधर सेट कर दिया, ठीक है। तो हम वही प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे सेम। सबसे पहले नंबरिंग शुड बी फ्रॉम अप टू डाउन, यानी हमें नंबरिंग अप टू डाउन करनी है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और फिर यूज DL नोटेशन फॉर हाईएस्ट कायरल सेंटर, यानी हमें जो दो हमें कायरल सेंटर, पहले हमें कायरल सेंटर्स को आइडेंटिफाई कर लेना है कितने कायरल सेंटर्स हैं। हो सकता है इसमें इस स्ट्रक्चर में दो हैं, हो सकता है तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो हमारे जो दो कायरल सेंटर्स हैं उसमें हम हाईएस्ट यानी दूसरा कायरल सेंटर लेंगे, उसमें हम देखेंगे कि OH कौन सी साइड है। यहाँ पे OH लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमें अगर राइट हैंड डी यूज करेंगे अगर OH राइट साइड है, और L यूज करेंगे अगर लेफ्ट साइड है, तो हमारा जो यहाँ पे OH है वो लेफ्ट साइड है,
इसको इसलिए इसको हम नाम देंगे एल थ्रियोज, थ्रियोज ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें दो OH ऑपोजिट साइड हो उसको हम कहते हैं थ्रियोज फॉर्म। तो ये हमारा कुछ फर्स्ट एग्जांपल था, ठीक है। आगे हम कार्बोहाइड्रेट की नेमिंग के लिए हम मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ग्लूकोज, हमारे पास CH, ये हमारे पास एक ग्लूकोज का फॉर्म है, ठीक है बच्चों। अब हम वापस वही जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। नंबरिंग शुड बी फ्रॉम अप टू डाउन, तो पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं इसकी ऊपर से नीचे तक। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर मान लीजिए ये नंबरिंग अप ऊपर से नीचे की तरफ नहीं हो रही है और हमारा स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर की बजाय हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा है, अगर इसमें नंबरिंग जो है वो अप टू डाउन नहीं है, डाउन टू अप है, तो आप इसको 180 डिग्री रोटेट कराएंगे और फिर इस कॉन्फ़िगरेशन में लेके आएंगे और फिर इसका डी एंड एल फॉर्म देखेंगे। आपको जो रोटेशन करना है 180 डिग्री वो प्लेन से उठा के नहीं करना है, इन द प्लेन लेके जाना है। मतलब आप उसको इस तरह से फ्लिप नहीं करेंगे ऊपर से, आप उसको इस तरह से रोटेट करेंगे, ये हमें ध्यान देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे काइरल सेंटर्स मार्क कर देने हैं, कितने काइरल सेंटर हैं हमारे पास। यहाँ 4 काइरल सेंटर्स हैं। 4 काइरल सेंटर में हमें हाईएस्ट नंबर वाला काइरल सेंटर लेना है, यानी 1, 2, 3 एंड 4, हम फोर्थ काइरल सेंटर लेंगे और उसे मार्क कर लेंगे। अगर हम उसमें OH हमारा राइट हैंड साइड है तो उसे हम कहेंगे डी ग्लूकोज, और अगर उसमें हमारा OH लेफ्ट हैंड साइड है तो उसे हम कहेंगे एल ग्लूकोज। तो इस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट में जो है उसको डी एल एन नोटेशन असाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे डी एल नोटेशन है उसको हमने इसको डी एल नोटेशन को हम इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, हम इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्यों कहते हैं, क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले इसके लिए एक एग्जांपल मैं लिखती हूँ। मान लीजिए हम लिख रहे हैं किसी का डी फॉर्म, CHO ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है और इस कार्बोहाइड्रेट का हमने लिखा है ये डी फॉर्म, क्योंकि यहाँ डी हमारा जो है राइट हैंड साइड है और नंबरिंग हमेशा अप टू डाउन ही है, 1, 2, 3 एंड 4, फोर्थ तक हमने नंबर कर दिया काइरल सेंटर का, हाईएस्ट कार्बन ले लिया और उसको जो OH है वो राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया हमारा डी फॉर्म। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaCN HCl से, तो यहाँ पे होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमें यहाँ मिलता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और ये होती है एक चेन इलॉन्गेशन रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रहे हैं और ये है हमारी चेन इलॉन्गेशन रिएक्शन। अब इसमें जो है जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, जो हमारा CN है, CN नेगेटिव वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो एल्डिहाइड के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड से भी अटैक कर सकता है और राइट हैंड साइड से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि जो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप था वो कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का अटैक है साइनाइड का, वो इस तरह से भी हो सकता है एंड इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है।
तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, हमें इसमें दो फॉर्म्स मिलेंगे। फर्स्ट फॉर्म जो होगा उसमें सी एन ओ एच एच और ओ एच सी एन एच, फिर है ओ एच एच ओ एच एच ओ एच ओ एच 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 सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच। ठीक है बच्चों, तो हमें इस डी फॉर्म से दो फॉर्म्स बन रहे हैं। चेन इलॉन्गेशन हो चुका है क्योंकि दो कायरल सेंटर की जगह हमें यहाँ पे तीन कायरल सेंटर्स बन चुके हैं, हमारे पास तीन कायरल सेंटर्स बन चुके हैं। ठीक है, अब ये हमारा था डी इरिथ्रोस फॉर्म, डी इरिथ्रोस फॉर्म। ठीक है, अब अगर हम इसमें हम डी डी या एल कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो हम नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5, और हाईएस्ट नंबर जो है कायरल सेंटर का डी, ये भी डी फॉर्म में है, और 1 2 3 4 5, और इसमें भी हाईएस्ट नंबर जो सेंटर है वो भी डी फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने ये देखा डी इरिथ्रोस से हमें जो दो नए फॉर्म मिल रहे हैं वो भी हमारे डी फॉर्म ही है। अगर कुछ चेंज हो रहा है तो चेंज हो रहा है वहां फर्स्ट उस कार्बन पे जो उसके नियरेस्ट, उस कार्बन पे जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक था, यानी एक में यहाँ पे OH राइट साइड है और एक में OH लेफ्ट साइड है। तो बच्चों जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के कायरल सेंटर पे हो रही है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। हमारा नीचे वाले जो हाईएस्ट कायरल सेंटर है उस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही। तो ये एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, यानी हमने इसको डिग्लिसरल्डिहाइड से डिराइव किया, फिर हमने इससे डी थ्री ओज बनाया, और आगे के जो हम मॉलिक्यूल्स हैं उसमें भी हम डी डेरिवेटिव्स बनाते चले जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम डिग्लिसरल्डिहाइड हम आगे की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, और ऊपर की कॉन्फ़िगरेशन मतलब दूसरे जो हमारे कार्बन हैं उनका हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं उनकी, इसलिए हम इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन नाम दिया है। इसका डीमेरिट ये है सबसे बड़ी बात कि हम यहाँ पे डीएनए रोटेशन हम इसमें हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर को ही देख के दे देते हैं, हम दूसरे कायरल सेंटर की जो है डी या एल कॉन्फ़िगरेशन को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज जो है वो इस डीएल सिस्टम में माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बच्चों हम बात करते हैं एमिनो एसिड्स की। अगर हमें डी या एल नोटेशन देना है एमिनो एसिड्स के लिए, डी एल नोटेशन फॉर एमिनो एसिड्स। ठीक है, अब हमें एमिनो एसिड्स को भी नोटेशन देना है। सबसे पहले एमिनो एसिड्स को नोटेशन करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो भी एमिनो एसिड को आप नोटेशन दे वो कायरल होना चाहिए, शुड बी कायरल। तो इसके हिसाब से ग्लाइसिन जो आपका एमिनो एसिड है उसको आप इसमें नहीं रख सकते, क्योंकि ग्लाइसिन इज ओनली एमिनो एसिड दैट इज ए कायरल। ग्लाइसिन जो एमिनो एसिड है इट इज ए कायरल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो एच लगे रहते हैं और ये कायरल, यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए इस कैटेगरी में हम ग्लाइसिन को नहीं रख सकते। ठीक है, अब हम एमिनो एसिड्स का अगर नोटेशन दें तो इसके लिए हमें सबसे पहले, मान लीजिए मैं कोई एमिनो एसिड बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए हमें
CH3H COOH और मान लीजिए NH2, हमें ये हमारा सिंपलेस्ट जो है अमीनो एसिड फॉर्म हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट हमें ध्यान देना है वो ये है कि नंबरिंग शुड बी फ्रॉम डाउन टू अप। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए नंबरिंग शुड बी अप टू डाउन की थी, यहाँ पे नंबरिंग शुड बी डाउन टू अप। तो सबसे पहले हम नंबरिंग दे देंगे 1, 2 एंड 3, तो इसमें नंबरिंग बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि हमें चूज द काइरल सेंटर, ठीक है। हमने काइरल सेंटर को चूज किया, वो भी लोएस्ट नंबर जो काइरल सेंटर है हम उसको चूज करते हैं। और यूज डी फॉर, अगर NH2 राइट हैंड साइड में है उसके लिए हम डी यूज करेंगे, और NH2 अगर लेफ्ट साइड में है तो उसके लिए हम L यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि NH2 जो है हमारा वो राइट साइड में है, तो इसका नाम हो गया हमारा डी एनिलिन। ये हमारा हो गया डी एलिनिन, ठीक है। अगर हम इसका L फॉर्म बनाना चाहें तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि NH2 हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये हो गया एलेनिन, डी एलेनिन एंड एलेनिन एंड डी एलेनिन। तो बच्चों इस तरह से आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट या किसी भी जो एमिनो एसिड है उसको डी या एल नोटेशन मार्क कर सकते हैं। आगे की क्लास में हम RS नोटेशंस एंड फिशर वेजडेट प्रोजेक्शंस भी सीखेंगे। सो अभी तक के लिए थैंक यू।